अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग कह रहे थे ईएनटी में कुछ ईएन के सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिसमें मैंने आपको जो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर थे, मेरिंगोटोमी, मेरिंगोप्लास्टी वो कर दी और इंसिजन्स बता दी। अब आते हैं मेस्ट्रोइडेक्टमी पे, ठीक है। आपकी यही तीन है जो रह गए हैं। मेस्ट्रोइडेक्टमी की तीन तरह की जो टाइप्स हमने पढ़नी है। मेस्ट्रोइडेक्टमी नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी सर्जरी है। एक्टमी हम कहते हैं जब हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है, उसको एक्टमी कहते हैं। एंड मेस्ट्रोइड जो आपका मेस्ट्रोइड का एरिया है, तो मेस्ट्रोइडेक्टमी इज अ सर्जरी जिसमें आप में कोई ऐसा ईयर में इन्फेक्शन हुआ था, या तो वो हुआ मिडल ईयर में था और मेस्ट्रोइड तक एक्सटेंड करके चला गया, तो मेस्ट्रोइड कैविटी सारी उसने ऑब्लिटरेट कर दी, उसमें सारे के सारा वो फ्लूड और सब कुछ खराब कर दिया, या फिर वो डायरेक्टली मेस्ट्रोइड को ही इन्फेक्शन हुआ। जो भी हुआ, हमें अब ये करना है कि हमने उस जगह से सारे मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स को, जो आपका जो मेस्ट्रॉइड बोन का पोर्शन, उसमें से रिमूव करना है, क्योंकि वो सारे के सारे डिजीज से या पस से या फ्लूड से भरे हुए हैं एंड दे आर ऑब्लिटरेटेड, ठीक है। तो ऐसा जो भी प्रोसीजर होगा उसको मेस्ट्रॉइडेक्टमी कहते हैं, जिसमें हमने मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स को रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास उसके लिए दो तीन तीन तरीके हो सकते हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला है कॉर्टिकल मेस्ट्रॉइडेक्टमी, फिर रेडिकल है, और फिर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्ट्रॉइडेक्टमी। सबसे पहले कॉर्टिकल, कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टमी हम तब करते हैं, सबसे पहली बात ये सुन ले, जब हमने सिर्फ और सिर्फ आपके जो मेस्ट्रोइड का पोर्शन है, यानी कि ये आपका पिन्ना है, पिन्ना के पीछे ये वाली जो सारी जगह है, जो इसके पीछे पीछे ये सारा मेस्ट्रोइड का पोर्शन है, जब हमने सिर्फ मेस्ट्रोइड के पोर्शन में से डिजीज को रिमूव करना हो और मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही हमने मिडल ईयर को एक्सप्लोर करना हो, तब हम करते हैं कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टमी, ठीक है। कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टमी में सिर्फ हम मेस्ट्रोइड के एरिया तक रहते हैं, मेस्ट्रोइड एयर सेल्स, मेस्ट्रोइड टिप और ये सारे इन सबसे डील करते हैं, लेकिन मिडल ईयर में नहीं जाते, मिडल ईयर को नहीं खोलते, उसमें बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं होती, उसके लिए कॉर्टिकल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमने मिडल ईयर में नहीं जाना, हमने सिर्फ कान के पीछे वाला जो मेस्ट्रोइड है उसमें जाना, तो फिर हमें आगे केनाल वॉल, मतलब ये आपकी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है, इसके जरिए भी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर मेस्ट्रॉइड में जाने का बेहतर तरीका ये होता है कि हम पिन्ना को ऐसे मोड़ते हैं आगे, मतलब जैसे कान को पकड़ के आगे करते हैं, और वो जो मैंने आपको बताई थी ना, ये अगर अब मेरा यही वाली जगह है, ऐसे करके अभी देखिए कान समझे मैंने मोड़ के इस पिन्ना को ऐसे आगे कर दिया, ठीक है, आगे कर दिया। अब ये मेरी वो वाली जगह आ गई जहां से पिन्ना अटैच है, इसके पीछे मैं वो वाली इंसिजन दूंगी जो मैंने अभी आपको पीछे इंसिजन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताई थी, पोस्ट ऑरल इंसिजन या विल्ड्स इंसिजन, मतलब पोस्ट ऑरल अप्रोच, उसके जरिए मैं जाऊंगी। कान के पीछे इंसिजन दी, अंदर से इधर डायरेक्टली मैंने, मेरे पास सबसे पहले पेरियोस्टियम वगैरह आ जाएगी, उसको हटाया, मैं बोन के अंदर चली गई, मैंने सारे मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स को क्लियर किया, रिमूव किया, और उसके बाद मैंने इंसिजन को बंद कर दिया। यही होता है कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टमी, ठीक है। तो कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टमी इज अ सिंपल प्रोसीजर जिसको श्वार्ट्ज ऑपरेशन भी कहते हैं, एंड इट इज अ प्रोसीजर इन विच द डिजीज इज रिमूव फ्रॉम मेस्ट्रोइड अलोंग विद द मेस्ट्रोइड एयर पार्ट, ऑल द एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द मेस्ट्रोइड आर रिमूव एंड वी डू नॉट एंटर द मिडल ईयर कैविटी, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसमें आप खुद ही सारे वो इंडिकेशन में इसकी वो वाली सारी चीजें शामिल करें जिसमें सिर्फ मेस्ट्रोइड में इन्फेक्शन हुआ है, मिडल ईयर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी अनट्रीटेड, सबसे पहले तो ये होते हैं कि अनट्रीटेड या अनरिजॉल्व्ड मेस्ट्रोइडाइटिस, जो कि शुरू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से ही हुआ था, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ, उसके बाद मेस्ट्रोइड में इन्फेक्शन चला गया, वो हमने सब कुछ ठीक कर दिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ठीक हो गया, लेकिन मेस्ट्रोइड के पोर्शन में इन्फेक्शन रह गया, तो उसको हमने निकालना है यहाँ से, तो उसके लिए हम करेंगे, पहली तो इंडिकेशन यही होती है, ठीक है, अनट्रीटेड जो इन्फेक्शन रह गया। उसके बाद कोई भी अगर ऐसी डिजीज हुई है, मेस्ट्रॉइड में इन्फेक्शन हुआ है और उसके सारे सेल्स जो है वो आपस में कोलेस कर गए, कोलेस होने का मतलब ये होता है कि वो जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं, मतलब ये कि वो अब काम के काबिल नहीं रहे, तो उसको कोलेसेंट मेस्ट्रोइडाइटिस कहते हैं। उसमें भी हम इस सारी डिजीज को जो है सारे सारे को खाली करेंगे, ठीक है। या मास्क्ड मेस्ट्रोइडाइटिस है, मतलब कोई भी किस्म का मेस्ट्रोइडाइटिस आपका होगा, मेस्ट्रॉइड का इन्फेक्शन है जो वैसे ट्रीट नहीं हो सकता, दवाइयों के जरिए उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। ये तो हो गए मेस्ट्रॉइड के इन्फेक्शन। फिर आपको याद है, आपको अभी मैंने बताया था कि हमारे पास ये वाला जो मेस्ट्रॉइड का सारा पोर्शन है, ये आपकी सारी की सारी जितनी भी अंदर हमारा ईयर है उसकी पोस्टीरियर वॉल पे लाइक कर है, मतलब एक्सटर्नल ईयर की बात करूंगी तो पोस्टीरियर एक्सटर्नल जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है वो एग्जैक्टली मेस्ट्रॉइड के आगे आती है। फिर मेरे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ ही मिडल जो ईयर है वो भी इसके आगे आएगी, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर पोस्टरोलैटरल वॉल बेसिकली इससे कनेक्शन बनाती है। तो पोस्टरोलैटरल वॉल में आपको याद है मैंने जब आपको मिडल ईयर पढ़ाई थी कैविटी, तो मैंने कहा था कि मिडल ईयर ऐसे एक डब्बे की तरह होती है और इस डब्बे के ये चार एंड्स है, ठीक है, एक सुपीरियर है, इंफीरियर है, ये वाला पोस्टीरियर कह लें, ये एंटीरियर है, फिर इसकी एक लैटरल वॉल होती है और एक मीडियल वॉल। लैटरल वॉल तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं, मीडियल वॉल जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। तो अगर बात करूं मैं इस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी की, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि एक फेशियल नर्व गुजर के यहाँ से भी जा रही थी, मतलब इससे इधर से भी रास्ता था,
फिर एक आपका स्टेपीडियस मसल का एक कुछ बना हुआ था यहाँ पे, मतलब मैं जरा जरा से आपको याद करा रही हूँ। तो बताने का मकसद ये था कि जब हमने सर्जरीज करनी होती है, जिनसे हमने बेसिकली या तो फेशियल नर्व को एक्सपोज करना है और उसकी कोई सर्जरी करनी है, या फिर मेरे पास कोई ऐसा तरीका मैं करना चाह रही हूँ कि मैं अंदर की तरफ जो इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सर्जरी करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे रास्ता चाहिए। कभी कभार आप ना इनर ईयर में जब आपने जाना हो तो आप डायरेक्टली किनाल से और मिडल ईयर से नहीं जाते, क्योंकि मिडल ईयर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो डैमेज ज्यादा होने का खतरा होता है। उसके लिए फिर आप पीछे मेस्ट्रॉइड के रास्ते से जाते हैं। इन केसेस में भी आपको कॉर्टिकल मेस्ट्रोइडेक्टोमी करनी पड़ती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो आ गई आपकी कि फेशियल नर्व डीकम्प्रेशन, क्योंकि फेशियल नर्व लाए ही यहाँ पर कह रही होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो सकती है, अगर आपने जो एंडोलिम्फेटिक सैक है, मतलब आप यहाँ से ये वाली जगह होती है, ये वाली जगह आप समझ ले मेस्ट्रॉइड है, मेस्ट्रॉइड से आप मतलब आप बाहर से गए, मेस्ट्रॉइड में एंटर हुए, वहां से आप पोस्टीरियर कैनाल वॉल से अंदर चले गए, थोड़ा पोस्टीरियर कैनाल वॉल और टिम्बेनिक मेम्ब्रेन के करीब से आपने अंदर चले गए, ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर है इधर से, और इधर से आप इनर ईयर में चले गए, यहाँ से आप एंडोलिम्फेटिक सैक की सर्जरी करते हैं। तो मतलब ये कि अंदर इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स के लिए भी आपको कई बार कॉर्टिकल मेस्ट्रोडेक्टमी करनी पड़ती है, जिसमें आपकी एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी आती है या फिर आपका अकूस्टिक न्यूरोमा की सर्जरी आती है। तो ये इसकी इंडिकेशन थी, ये बताने का मकसद ये था कि आपने याद रखनी है, ठीक है। एनेस्थीसिया हमेशा हमेशा जनरल देंगे। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, वही बात है कि पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है और वो वाला कान ऊपर है, उसका फेस टर्न टू दैट साइड, जिस कान को ऑपरेट करना है वो ऊपर होगा, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, कभी भी आपने ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे पेशेंट करवट पे लेटा हुआ है और जो कान सर्जरी करनी है वो ऊपर है। करवट पे लेटने और सुपाइन लेटने में जमीन आसमान का फर्क है, सारी डायनेमिक्स सर्कुलेशन सब कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पेशेंट हमेशा सुपाइन सीधा लेटेगा, सिर्फ गर्दन मोड़नी है उस तरफ जिधर उसका मतलब जो कान की सर्जरी है उसको ऊपर रखना और दूसरे को नीचे रखना, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्टेप्स इसके कुछ भी नहीं है, बस आपने पोस्ट ऑरल इंसिजन दी, अंदर के अंदर से सारा का सारा साफ किया पूरे को और एंड में आपने स्ट्रेच आउट कर दिया, मतलब मेजर सी बातें याद रखनी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो अलग से याद रखनी पड़ती हो। पोस्ट ऑप केयर में भी कोई खास बात नहीं है, एंटीबायोटिक्स देनी है। इसमें कहते हैं कि अगर बेहतर ये होता है कि आप ना पेशेंट की ड्रेनेज ट्यूब लगा दें, ठीक है। मतलब आपको कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी सर्जरी हुई भी देखी हो ना, कोई भी जगह की सर्जरी, तो अगर हमें शक हो कि अंदर ब्लड वगैरह कलेक्ट हो सकता है या अंदर कोई कलेक्शंस बन सकती है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टिचेस लगाने के बाद एक छोटी सी ड्रेनेज ट्यूब जो है वो लगा देते हैं और बाहर उसको एक ड्रेनेज कंटेनर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको ऑलमोस्ट हम 24 आवर्स तक रहने देते हैं, ताकि अंदर अगर कोई सिक्रीशन या फ्लूइड वगैरह बनेगा तो वो 24 आवर्स तक निकल के उस कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें आपने एक बड़ी कैविटी को खाली करना है, तो इसमें भी ड्रेनेज ट्यूब अक्सर लगाई जाती है जो 24 आवर्स बाद रिमूव कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स रखते हैं एंड देन स्टिचेस जो है वो रिमूव करने हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास मेस्ट्रॉइड का रिलेशन है, एक तो पोस्टीरियर के जो वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर में फेशियल नर्व है, सबसे पहले आप फेशियल नर्व को इंजरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर से अगर आप अंदर आ जाए तो आप हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल की और मिडिल ईयर की बोन्स की, इनकस वगैरह की इंजरी कर सकते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बस आपने याद ये रखना है कि कॉर्टिकल मेस्ट्रोडेक्टमी होती क्या है मेनली विद इंडिकेशंस। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, मेरे किसी कोई मसला हो कि ना आस्क मी, थैंक यू।